भागलपुर में मुहर्रम की 10वीं तारीख पर आज अखाड़ा जुलूस निकाला गया। जुलूस शहर के सराय किला घाट स्थित इमामबाड़ा गया, जहां फातिहा खानी और नियाज कराने के बाद अपने अपने इलाके में लौट गया। सुबह करीब 10 बजे से ही जुलूस निकलता रहा। जुलूस में शामिल युवाओं ने लाठी डंडे के साथ शहर के चौक चौराहों पर खूब करतब भी दिखाए, लेकिन इन सबके बीच शहर के कोतवाली इलाके से निकाला गया ताजिया आकर्षण का केंद्र बना रहा। कोतवाली इमामबाड़ा से पैकर 2:35 पर ताजिया लेकर शाहजंगी के लिए रवाना हुए। वहीं काजीवली चक मार्ग और तातारपुर चौक पर पैकरों का हुजूम देखा गया। इस दौरान या अली या हुसैन की सदा गूंजती रही। जुलूस में हजारों की संख्या में पैकर और आम लोग शामिल हुए। वहीं ताजिया को देखने के लिए लोग घरों से सड़कों पर उतर आए। सड़क के किनारे लोगों की भीड़ और उनके बीच से गुजरता ताजिया देखते ही बन रहा था। कोतवाली इमामबाड़ा से दोपहर में निकाला गया ताजिया जुलूस तातारपुर चौक मुस्लिम हाई स्कूल होते हुए रेलवे संपार करते हुए शाहजंगी करबला मैदान गया। इस दौरान शहर के तमाम जगहों पर पुलिस बल की मौजूदगी रही, ताकि विधि व्यवस्था सुचारू रूप से कायम रहे। साथ ही जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से जुलूस की निगरानी ड्रोन एवं शहर में लगे सीसीटीवी से भी की गई। सिटी डीएसपी ने बताया कि ताजिया जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया। उन्होंने कहा कि सभी मजहब के लोग आपसी एकता और भाईचारे के प्रतीक हैं। वही सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, नौजवान अंजुमन कमेटी, पूजा समिति और जिला शांति समिति के सदस्य काफी सक्रिय दिखे। इस दौरान सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संयोजक प्रोफेसर फारूक अली ने कहा कि आज रात करीब 9 बजे से विभिन्न मोहल्लों से अखाड़ा निकाला जाएगा और देर रात तक शाहजंगी में पहलाम संपन्न होगा। आइए अब हम आपको दिखाते हैं भागलपुर में निकाले गए ताजिया और अखाड़ा जुलूस की कुछ झलकियां। देखिए, ये मुहर्रम का महीना का आज 10वीं तारीख है और इस्लामी कैलेंडर मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, जो 7 जुलाई के शाम में चांद निकलने से शुरू हुआ और आज
17 को दसवां दिन है और दसवां दिन ही हुसैन की शहादत हुई थी करबला के मैदान में, उनके याद में जो है उनका ये जुलूस निकाला जाता है और इसका अभी पहला सामने हो जाएगा। तो ये पैकर की जो व्यवस्था है ये सिर्फ भागलपुर शहर में है और यहीं के लोग पैकर बनते हैं और उसको पहलाम के लिए जाते हैं, जो दो जगह पे ताजिया मुख्य रूप से बनता है, एक मियाँ साहब का मैदान मौलाना चौक और दूसरा कोतवाली चौक में, वो उधर से जाएगा हबीबपुर वाले रोड से, रोड से जरलाई रोड से, और ये इधर से जाएगा और दोनों वहाँ मिलकर पहलाम करेगा जो ताजिया आपके सामने सभी गुजरने वाला है। बाकी शेष अखाड़े देर शाम से सुबह तक आएंगे और वो पहलाम के लिए जाएंगे और कल सियापन दो कालम जुलूस यहाँ से निकले गए घर। देश की प्रसिद्ध खानकाह पीर दमरिया शाह भागलपुर के 15वें सज्जादा नसी सैयद शाह फकरे आलम हसन ने कहा है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आसूरा नवासाए रसूल और जन्नतियों के सरदार हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। उन्होंने कहा कि अहले हक कभी किसी बातिल और शैतानी ताकतों के आगे झुकने वाले नहीं है, बल्कि हजरत इमाम हुसैन की जीवनी और उनकी शहादत से प्रेरणा लेते हुए इंसानियत और खुदा से वफादारी और राह हक के लिए हर त्याग एवं बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। सज्जादा नसी सैयद शाह फकर आलम हसन ने अपने संदेश में कहा कि मुहर्रम के त्योहार में लोगों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे मजहब के मानने वालों को परेशानी हो। आज यौम आशूरा है जो बड़ा ही मुकद्दस और मोहतरम दिन है। इस दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत फ़ातिमा के लख्त जिगर इमाम हुसैन को बड़ी ही सफाकी के साथ ज़ालिम और बातिल ताकतों ने क़ुर्बान कर दिया था और आपने साबित कदमी के साथ पूरे इस्तेकामत के साथ अल्लाह के हुक्मों पर और नबी के बताए हुए अपने नाना के रास्ते पर हक़ की खातिर और अल्लाह से वफादारी की खातिर उन्होंने किसी बातिल का दबाव कबूल नहीं किया और हक़ की राह में अपनी जान का नजराना पेश कर दिया और शहादत का जाम नोश कर लिया। इस शहादत अजीमा में बड़ा सबक है तमाम इंसानों के लिए कि वो हमेशा सत्य का, सच्चाई का, इंसाफ का, हक़ का साथ दें और किसी बातिल और शैतानी और तागूती ताकतों के आगे झुक कर नसमस्तक न हों और किसी गलत रास्ते को दबाव में कबूल न करें, बल्कि हर हाल में शहादत हुसैन को ज़िंदा रखने के लिए और उनसे रोशनी लेते हुए अपनी ज़िंदगी को नूरानी बनाने के लिए चाहिए कि इंसानियत का, वफादारी का, हक़ का साथ दें और हक़ की खातिर हर किस्म के त्याग, बलिदान और क़ुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। ये मुहर्रम का मुक़दस महीना है। आज देश भर में और अपने शहर में लोग जुलूस निकालते हैं। उन सब तमाम जुलूस निकालने वालों से हम अपील करते हैं कि वो पूरा ख्याल रखें कि किसी को उनके कार्यक्रम से तकलीफ़ न पहुंचे और कोई ऐसा काम न करें जो इमाम हुसैन की तालीम के ख़िलाफ़ बात हो। लिहाजा जो भी बातें ऐसी हैं जिससे हज़रत हुसैन ने रोका उससे हमें रुकना है और जिस बात का उन्होंने अपनी शहादत के वक्त भी सबक पेश किया कि हर हाल में नमाज अदा करनी है, उन्होंने सजदे में भी नमाज अदा करते हुए अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। हमें भी अल्लाह की मान कर इंसानियत के लिए और हक परस्ती के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहना है और किसी को हमारी ज़ात से तकलीफ़ न पहुँचे इसका भरपूर ख्याल रखना। भागलपुर जिला अंतर्गत हबीबपुर थाना क्षेत्र के सतगरा निवासी जितेंद्र कुमार का पुत्र सुमित कुमार अपने परिजनों संग गंगा स्नान करने बूढ़ानाथ घाट आए थे।
इसी दौरान पैर फिसलने के कारण वह गंगा की तेज धारा में विलीन हो गया। स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से काफी खोजबीन की गई, लेकिन युवक कहीं नहीं मिला। वहीं आज दोपहर में युवक का शव स्वतः गंगा नदी में तैरता मिला। शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। 8:30 बजे गंगा स्नान के दौरान अचानक किसी तरफ जो है ना वो दिख गया। कहाँ पर? यही आगे में जो है क्या शंकर दियारा जो है, शंकरपुर दियारा, उसी नदी में, गंगा नदी में सब कोई गए थे नहाने। हाँ, गांव से जो है ना, गांव में 12 मास का पूजा होता है प्रत्येक साल, उसी में जो है ना गंगा स्नान के लिए आया हुआ था। उसी क्रम में, नहाने के क्रम में ऐसा हुआ, डूब गया। क्या नाम था? सुमित कुमार। कहाँ था? घर सतघरा हुआ, हबीबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। पिताजी क्या नाम है उनका? जितेंद्र कुमार जीतू। आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार सुमन हुआ। है? दिनेश कुमार सुमन मेरा नाम हुआ। अच्छा, कौन हुआ? मेरा भतीजा हुआ। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। शिफ्ट करना हो या ऑफिस रिलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, फॉर बुकिंग्स कॉल 8298181018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नए जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष पूरी तरह सत्ता पक्ष पर हमलावर है। इसी कड़ी में भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। जब मुकेश सहनी NDA के साथ थे सब ठीक था, लेकिन महागठबंधन के साथ आए तो उनके पिता की हत्या हो गई। अजीत शर्मा ने कहा कि ये पूरे बिहार को शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं कि राज की बात, लॉ एंड ऑर्डर पूरा ध्वस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप देखिए, हत्याएं तो हो रही थी और अब नेता के पिताजी की हत्या, मंत्री रहे मुकेश सहनी जी,
एक अच्छे नेता है बिहार में, जब तक एनडीए के साथ थे उनके परिवार को कोई घटना नहीं घटी, और अब जब इंडिया गठबंधन में आए हैं, अब उनके घर पर, वो बॉम्बे गए हुए हैं और उनके घर पर घुस के हत्या होती है उनके पिताजी का, ये पूरे बिहार सरकार के लिए शर्मसार करने की बात है। और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा, आपका मैंने देखा था कि आप हाथ जोड़ के कह रहे थे पदाधिकारियों को कि मैं हाथ जोड़ता हूं आपके विकास करिए, क्या आप विकास नहीं कर रहे थे? क्या आपका पैर छू, और आप बढ़ के पैर छूने के लिए जा रहे थे? आप पदाधिकारी पर एक मुख्यमंत्री पैर छू के बात करे या काम करने के लिए उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, आप कार्रवाई नहीं करते पदाधिकारी, इसलिए मन बड़ा हुआ है। और जो हत्याएं हो रही है, अब नेता मंत्री के घर में पिता की हत्या होना, ये आपको ऐना दिखाता है कि साहब आपके अंडर में जो पदाधिकारी है आपके कंट्रोल में नहीं, आपकी बात नहीं सुन रहा। और आप खुद बयान में बोले हैं कि पदाधिकारी का मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर छू क्या काम के लिए, आप उन पर कार्रवाई करिए। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये पदाधिकारी अपराधी लोग जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगा, आपको कार्रवाई करनी होगी। पदाधिकारी हाथ जोड़ने से और पैर पड़ने से काम नहीं चलेगा, आप कार्रवाई करिए, देखिए कैसे सुधरता है बिहार। और अगर बिहार नहीं सुधार सकते हैं तो आप मुख्यमंत्री किस बात के हैं? मुख्यमंत्री आपको 18 साल जनता ने बना के रखा है और आपका देखिए क्या हाल है बिहार का, अपराधी का मन बढ़ा हुआ है, शराबबंदी आपने लागू किया, शराब चारों तरफ घर घरे घर बिक रहा है, और अपराधी पूरा शराब माफिया अपराधी पूरे प्रशासन से मिला। और आपको बता, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाहते हैं कि सारे पदाधिकारी आपकी बात क्या, किसी जनता की बात भी नहीं सुनते, सिर्फ ये अपराधियों को संरक्षण, आपके शराब माफियाओं को संरक्षण, राजस्व भूमि में जो घोटाला हो रहा है आप देखिए क्या हो रहा है, लोग परेशान है, किसान और ये जनता, वहां घोटाला, आप मुख्यमंत्री है, जनता ने चुना है, आप पदाधिकारी को जब तक कार्रवाई नहीं करिएगा तब तक पदाधिकारी सुनेंगे नहीं, हाथ जोड़ने से और पैर पड़ने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो अपराध नहीं रुकेगा।